नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह, एक्स वारंट ऑफिसर इंडियन आर्मी APS कोर। और साथियों, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, अपने हम तमाम साथियों को से निवेदन करना चाहूँगा कि इस गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए आपको कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में लू से बचने के लिए घर से निकलते वक्त आप सर पर तौलिया रख लें, हल्के रंग के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, ताकि गर्मी से निकलने वाली पसीनों का शोषण इन कपड़ों के द्वारा किया जाए। साथियों, गर्मी के मौसम में बहुत सी एहतियात बरतनी होती है, खाने पीने के मामले में भी। आप सबों को खीरा ककड़ी जैसे प्राकृतिक फल और पानी का पर्याप्त सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जो है, जो गर्मी में जो पसीने निकलते हैं, इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए आप पानी में थोड़ा नमक और थोड़ा चीनी डालकर भी पी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी पीना हानिकारक हो सकता है। फ्रिज का जैसे ठंडा, बहुत ठंडा पानी पीना भी हानिकारक हो सकता है। इसके लिए आप सुराही या घड़े का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही पहले तो आप ये एहतियात बरतने की कोशिश करें कि अगर आवश्यक नहीं हो तो धूप में निकले ही नहीं, क्योंकि ये मौसम आज की तारीख में 47 डिग्री सेल्सियस जो है समस्तीपुर का तापक्रम है, जो कि फीलिंग जो है 53 के सेल्सियस के करीब हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी में अगर आवश्यक नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। शाम सवेरे अगर हो सके, जरूरी हो, अगर संभव हो तो शाम सवेरे वो काम कर लिया करें, ताकि आप इस गर्मी से बचें। और प्याज का सेवन है इस मौसम में अत्यावश्यक है, प्याज का सेवन करें खाने में। प्याज का सेवन करने से और घर से बाहर निकलते समय पॉकेट में प्याज को रखना भी फायदेमंद होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गर्मी में जो है ये लू से बचने के लिए जो गर्मी होगी, शरीर को जो प्राप्त होगी ऊर्जा जो प्राप्त होगी, उसको प्याज शोषित करता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे ताकि आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमसे भी जुड़े रहें। ये मुझे खुशी होती है, बार बार आप लोगों के बीच में इसीलिए आता हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त भी हो चुका हूँ, पहले जनसंपर्क निरीक्षक के रूप में मैं बार बार आप सबों के बीच आने का प्रयास किया है। विभाग की ढेर सारी योजनाओं को लेकर और कुछ सारी योजनाएं जो है मैंने खुद के स्तर से बनाई थी आप लोगों की सेवा के लिए। तो साथ ही ऐसे में जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे कभी कॉल करके बात कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और इन्हीं सब बातों के साथ जो है फिर अगले वीडियो में मैं इस मौसम के बारे में थोड़ी एहतियात बरतने के बारे में थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समस्तीपुर।